शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो जिग्ना, मेरी बात सुनो। देखो, जब तक मैं भोजपुरी का स्टार नहीं बन जाता ना, तब तक मैं घर वापस नहीं आ सकता। ऐसे मत बोलो जी, 2 साल हो गए आप गांव से गए हो और एक बार भी घर नहीं आए। देखो, अभी अगर आप नहीं आए ना तो मैं खुद मुंबई आ जाऊंगी। जिग्ना, क्या करोगी यहाँ पे आके? कहाँ ढूंढोगी मुझे मुंबई जैसे बड़े शहर में? और देखो, मेरे पास तो घर भी नहीं है। अभी मैं खुद बैग और सूटकेस लेकर संतोष नगर के रोड पे खड़ा हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। धड़ाका फिल्म कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर आ गई है, मुझे कुछ जरूरी काम है। हेलो, ये क्या सामान वान बांध के कहाँ जा रहे हो? वापस गांव? हो गया हीरोगिरी? अरे नहीं नहीं, मैं गांव वापस नहीं जा रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे मकान का रेंट बाकी था 3 महीने से, नहीं दिया तो मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम चाहो तो तुम मेरे घर पे रह सकते हो। वैसे भी मेरी काम वाली काम छोड़ के चली गई है 2 दिन पहले, लेकिन नौकर बन के रहना पड़ेगा। क्या नौकर? नव्या जी, मैं यहाँ हीरो बनने आया हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के घर का नौकर नहीं। लोग मोहब्बत में क्या क्या बन जाते हैं, तुम्हें तो सिर्फ नौकर बनना है, और वो भी छोड़ो, सोचो हम दोनों हमेशा साथ साथ रह सकते हैं। और जब तुम्हें कोई फिल्म मिल जाएगी तो हमारे घर का काम छोड़ देना। जब तुम स्टार बन जाओगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो वाओ, क्या बात है नव्या, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा और बहुत आलीशान है। हाँ, वो तो है। अब सुनो, मेरी माँ बहुत गुस्से वाली है, उनके सामने संभल कर पेश आना। चलो चल। एक मिनट, नौकर का गेटअप तो लो, चलो इसको उतारो। ये कपचा कपचा डाल लेता हूँ ना, ये अब बन जाऊंगा मैं पूरा नौकर, कैसा लग रहा? चलो अब। मेरी आंख में तो तुम्हारा घर गड़ गया नव्या, अब तो मुझे ये घर चाहिए, बाकी कुछ मिले या ना मिले। अरे कहाँ खो गए? चलो। हाँ हाँ, आया आया। माँ? अरे बेटा, इतना जल्दी आ गए ऑफिस से? ये कौन है? ये हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये हमारी ऑफिस में काम करता था, वहां पे काम छोड़ दिया तो मैं इसे घर ले आई। ये बहुत अच्छा खाना बनाता है और पगार भी सिर्फ 5,000 रुपए लेगा। पर बेटा, इसके पहनावे से तो ये कहीं से भी नौकर नहीं लग रहा है, ये घर का काम करेगा? अरे माँ, फिल्मों के ऑफिस में काम करने वाले लोग ऐसे ही रहते हैं, एकदम टिप टॉप। नहीं नहीं, मुझे नौकर नहीं चाहिए, जाओ वापस जाओ। माजी माजी, देखिए नौकर साफ सुथरा रहेगा तभी तो वो साफ सुथरा भोजन बनाएगा। माजी मेरी तो आदत है, मैं रोज नहा धो के ही रसोई घर में जाता हूँ और भोजन बनाता हूँ। और एक काम और करता हूँ, नहा धो के भोजन जब बनाता हूँ तो सबसे पहले भोजन में भगवान को भोग लगाता हूँ, उसके बाद वो भोजन भगवान का प्रसाद हो जाता है माजी। और हाँ माजी, मेरा नाम हर्षित है, हर्षित मतलब आप मुझे प्यार से हरी भी बुला सकती हैं। उसमें 2 फायदे होंगे, एक तो जब आप मुझे हर्षित कह के बुलाएंगी मैं 1 सेकंड में आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, और दूसरा आप हरी बोलेंगी तो सुबह से शाम तक आपकी जबान पे भगवान का नाम रहेगा। अरे बस बस भाई बस, कितनी बड़बड़ करते हो, देखते हैं तुम्हारा काम कैसा है। बेटा सर्वेंट रूम दिखा दे इसे। जी माजी, थैंक यू माजी। कितना ज्ञान बांटता है ये बंदा। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी किचन संभाल लिया। चलो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देती हूँ। अरे क्या कर रहे हो? मम्मी आ जाएंगी।
नव्या मम्मी नहीं आएगी, वो भी पूजा कर रही है। नव्या यहाँ क्या कर रही है? वो मम्मी मुझे कॉफी पीना था, हर्षित को मिल नहीं रहा था तो मैंने सोचा मैं ढूंढ के दे दूँ। ये नाम तो लिखा हुआ है ना, ऐसे कैसे नहीं मिल रही थी? सारे डिब्बों पर नाम लिखा हुआ है, ये पढ़ नहीं सकता है? नव्या इसीलिए मैं तुझे बोल रही थी कि ऑफिस वाला लड़का घर का काम नहीं कर पाएगा। चल तू यहाँ से, कॉफी ले आएगा वो। ए हर्षित, जो भी बोला जाए ना ध्यान रखा करो, सुना करो, समझे? जी। चल कविता जी, मुझे तो सब कुछ ध्यान है, आपकी बेटी का भी और आपके इस बंगले का भी। हाँ जी बोलो, सब ठीक है ना? आप पास नहीं हो, कुछ भी ठीक नहीं है। सिर्फ दो दिन के लिए आ जाओ ना घर पे। जिगना देखो, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, किस लिए आऊँ? मेरे लिए। जिगना जेब में पैसे ना हो ना तो प्यार भी अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं आ सकता। देखो जी, अगर आप नहीं आए ना तो मैं खुद चली आऊंगी आपके पास। पागल मत बनो, अरे क्या करोगी यहाँ आके? देखो मेरी बात मानो, तुम ही रहो, गाँव नहीं है बड़ा शहर है, समझ गई? और मैं कौन था? अरे नव्या, मेरे गांव की एक लड़की है, बार बार मुझे फोन करके परेशान करती रहती है कि मुझे हीरोइन बनना है, हीरोइन बनना है। अब मेरा खुद हीरो बनने का सपना तुम्हारे घर में दफन हो रहा है, मैं किसी को क्या हीरोइन बनाऊंगा यार? टेंशन मत लो, कल से मैं ऑफिस जाऊंगी तो मैं भी लेकर चलूंगी। तुम्हारी माँ जाने देगी मुझे? तुम माँ की टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना लूंगी कैसे भी, तुम बाहर जाके स्ट्रगल कर लेना अपना। एक बात बोलूं, तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूँ। घबराओ मत, तुम्हारी माँ को बेहोशी वाला एक्सप्रेस सुंघाकर बेहोश कर दिया है, अब सुबह तक नहीं उठने वाली है। इतनी जल्दी शादी नहीं होने वाली। देखो मेरी माँ किसी नौकर से मेरी शादी नहीं करवाएगी, पहले स्टार बनो फिर शादी की बात करेंगे। अच्छा जी, मतलब आपसे शादी करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार बनना होगा। ठीक है स्टार भी बन जाऊंगा, पर अभी तो फिलहाल प्यार कर ले। नमस्ते आंटी। जीती रहो बेटा। नव्या आजा देख तुझसे मिलने कौन आया है। कामिनी तू? कैसे है तू? आओ बेटा बैठो। और बता इतने दिन बाद कैसे याद किया? यार मैं शादी कर रही हूँ। वाह तुम शादी कर रही हो? यस। अरे वाह दिखा। हरी 3 कप चाय लेकर आओ फटाफट। ये तो हरी को जानती है, कहीं उसे यहाँ नौकर की तरह देखकर माँ को असलियत ना बता दे। मुझे कुछ करना होगा। तुझे देर हो रही होगी ना, तो चलो जाओ जाओ। अरे बेटा क्यों इसे जल्दी भगा रही है, कम से कम अपने होने वाले पति की फोटो तो दिखा दे, तब तक चाय भी बन जाएगी। तुझे क्या हुआ? अरे मम्मी वो आपका हरी 3 कप चाय लाने में 3 घंटे लगाएगा, अभी देखती हूँ मैं। दिखा नव्या क्या हो गया? कामिनी आई है,
अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो, तुम यहीं रहो, कुछ भी बहाना करके उसको भगा के आते हो, ठीक है? अच्छा आंटी, नव्या की कब शादी कर रहे हो? बेटा, अगर मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा ना नव्या के लिए, इसी साल उसकी शादी कर दूंगी। मम्मी, वो गैस खत्म हो गया, सिलेंडर चेंज करने में टाइम लगेगा, तुझे देर तो नहीं हो रही ना? हाँ हाँ, मुझे देर हो रही है आंटी, नमस्ते, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, बाय बाय। बुढ़िया, ढंग का लड़का तो तेरे घर में तेरे सामने है, बस एक बार मौका हाथ लगने दे, ये घर और तेरी बेटी दोनों छीन लूंगा मैं। 11 बज गए, अभी तक आई क्यों नहीं ये? मैसेज करता हूं। यार, इसकी माफी ना। इतनी रात को किसके साथ चैटिंग कर रही है बेटा? वो कामिनी से, वो 1,00,000 रुपए मांग रही है उसको शादी की शॉपिंग के लिए। चल अब सो जा। सो जा बेटा। हाँ। क्या कर रहा है इस वक्त? माजी, वो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, मुझे लगा कि आपके पास आऊंगा तो आप शायद कोई दवा दे दे, बहुत बहुत तेज दर्द कर रहा है। देती हूँ। लो। धन्यवाद माजी। जाओ अब। नहीं, इस लड़के को किसी दवा की जरूरत है, शायद इसका मकसद कुछ और ही था। क्या जरूरत थी रात को मेरे रूम में आने की? नव्या तो क्या करता, 1 बजे रात तक तुम्हारा इंतजार किया, जब तुम नहीं आई तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, तो बस वही देखने आया था। मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी हर्षित, एक रात सब्र नहीं होता ना तुमसे, खुद तो मरोगे मुझे भी मरवाओगे मां के हाथ से। नव्या, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बात समझने की कोशिश करो। देखो, सच तो ये कि मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, खास तौर से रात में। किसके बिना रहा नहीं जा रहा? दवा माजी, वो आपको पता है ना कि मैं दवा लेने के लिए आया था, तो बस उसी बात के लिए नव्या नाराज हो रही है कि मैं आखिर इतनी रात को आपके कमरे में क्या करने आया था। चुप रहो, मुझे शुरू से ही तुम्हारी हरकतें नहीं पसंद है, और तू से काम करवाने के लिए मैं हूँ ना, तू बार बार यहाँ क्यों आ जाती है? एक नौकर है ये, इसे दूर रहा कर, समझी? चल। अच्छा, मैं नौकर हूँ बुढ़िया, तू मुझे इस घर से बाहर निकालेगी? इससे पहले कि तू मुझे इस घर से बाहर निकाले, मैं तेरे इस घर से अर्थी निकाल दूंगा। ए हीरो के बच्चे, और कितनी देर लगेगी चाय लाने में? जी माँ जी, बस 2 मिनट, लेके आया। जल्दी कर। चाय पीने का तुझे बहुत शौक है ना बुढ़िया, आज तुझे तेरी जिंदगी की आखिरी चाय पिला ही देता हूं मैं। अब माजी, आपकी चाय।
क्या हुआ माजी? ये क्या मिलाकर पिला रहे हो मुझे चाय में? क्या कुछ है क्या माजी? ये कैसी चाय छानी है? पूरी चाय पत्ती ऊपर तैर रही है, ये सफाई है तुम्हारी? माजी मुझे दीजिए ना, मैं गर्म करके छान के लाता हूँ फिर से। दीजिए। हाँ, मूड खराब कर दिया मेरा। क्या कर रहे हो हर्षित? बोला था ना माँ के पास सावधानी से रहो, मैं गुस्सा जाता है। जा जाके हाथ धो लो। और सुनो, मैं 2-3 दिन के लिए लखनऊ जा रही हूँ नई फिल्म की लोकेशन देखने के लिए, ध्यान से रहना ठीक है? चेहरा खराब करने की कोशिश की ना, तू देख आज मैं कैसे तेरा गला दबाकर तुझे मार देता हूं। अच्छा है कि तेरी बेटी भी आज घर पे नहीं है। बहुत सुकून से सो रही है बुढ़िया। आज इसे जिंदगी भर के लिए सुकून की नींद सुला देता हूं। कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? तू यहां क्या कर रहा है इस वक्त? माची मुझे माफ कर दीजिए माची, मैंने आपका मूड ऑफ कर दिया। मुझे नव्या मैडम ने कहा कि मैं आपके पास आके आपसे माफी मांग लूंगा, आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी। माची मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माची, मुझे नौकरी से। छोड़ मेरे पैर, छोड़ मेरे, निकल यहां से, जा। आपने मुझे माफ कर दिया ना? अरे मैं कहती हूं जा यहां से, निकल कमरे से, जा। बेटा काम नहीं, मुझे घर काम के लिए एक फीमेल सर्वेंट चाहिए जल्द से जल्द। पर बेटा याद रखना वो ज्यादा पैसे ना ले। हाँ मैं उसे तनख्वाह 5,000 दे दूंगी, खाना पीना तो फ्री होगा उसका। बताना जल्दी। हाँ ठीक है। जब भी मैं आने का कहती हूँ कोई ना कोई बहाना बना देते हो, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? जीना भी ना, इसने अलग से परेशान करके रख दिया है। हाँ जीना बोलो, तुम अभी तक जग रही हो? जिसका पति 2 साल से परदेश में है उसे नींद कैसे आएगी? ना खुद मिलने आते हो ना मुझे आने देते हो। जीना देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा है और जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ना हमारे पास रुपया पैसा गाड़ी घर सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें शहर बुला लूंगा। सच्ची? सच्ची। आप एक काम करो, रात बहुत हो गई है तुम सो जाओ, मैं रखता हूँ, बाय। हर्षित अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, कब हीरो बनोगे तुम? कब होगी हमारी शादी? अभी कर लें। अब आपको कैसे बताएं कि आपकी पत्नी कितना तड़प रही है आपके लिए? जल्दी से मेरे पास आ जाएगी। मैं तो तुम्हारे पास ही हूं, अपनी आंखें तो खोलो। हर्षित पागल कर दिया तुम्हारे प्यार ने मुझे। हर्षित, हर्षित मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। अरे
से यार की चिड़िया भी ना समझ में नहीं आता इसको। हेलो, हम बम्बई आ गए हैं। क्या कहा, तुम मुंबई आ गई हो? स्टेशन वाले रोड पे है, आप अभी आइए और हमको ले जाइए ना, नहीं तो फिर आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप संतोष नगर में कहाँ रहते हैं, हम पूछ पूछ के वहाँ पे आ जाएंगे। हम अब आपके बिना नहीं रह सकते, हम साथ में ही रहेंगे। साथ में रहेंगे, जितना ही काम करो, चुपचाप ट्रेन पकड़ो और गांव चले जाओ, समझ आया? फोन काट दिया। क्या करें इसका, ऐसे नहीं मानेगी। फोन ही स्विच ऑफ कर दिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो तीन दिन यहाँ टहलेगी और चुपचाप ट्रेन पकड़ के गांव चली जाएगी। दो तीन दिन अपना फोन ही नहीं ऑन करेंगे हम। बहन जी, ये संतोष नगर कहाँ है पता है आपको? संतोष नगर में कहाँ जाना है तुमको? वो तो हमें पता नहीं, हम तो अपने पति को ढूंढ रहे हैं। तो फोन कर लो अपने पति को, उनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। इतने बड़े शहर में कैसे ढूंढोगे अपने पति को? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मेरी बात मानोगी? एक काम करो, घर काम काज कर लो, ठीक है? ऐसे तुम्हें रहने का ठिकाना भी हो जाएगा और खाने पीने के साथ साथ तुम्हें 5,000 रुपए भी मिल जाएंगे, और अपने पति को भी ढूंढ लेना। ठीक है मैडम। इंदिरा आंटी। अरे काम भी नहीं बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। नहीं नहीं आंटी, मैं बहुत जल्द में हूँ, आपने जो काम दिया था ना वो हो गया है। कौन सा काम? जिगना इधर आना जी। नमस्ते। नमस्ते। ये आंटी अपने गांव से आई है और इस ना काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आंटी ये आपकी बजट में भी है, बाकी आप खुद ही पूछ लीजिए। घर का सारा काम आता है ना? खाना कपड़ा बर्तन झाड़ू सब कुछ कर लेते हैं हम। अच्छी बात है। हे भगवान, सब कुछ वैसा क्यों हो रहा है जैसा मैं नहीं चाहता? आओ जिगना, ये तुम्हारा कमरा है, तुम अच्छे से फ्रेश हो जाओ फिर नीचे आ जाना, ठीक है? ठीक है। आपका फोटो यहाँ क्या कर रहा है? चलो मालकिन से पूछ लेती हूँ। किसी को बताना मत कि हम तुम पति पत्नी हैं, हाँ? अब इस घर वालों के लिए ना हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, ठीक है? लेकिन क्यों जी? अरे सुनो मेरी बात, देखो क्या है ना कि इस घर की जो इकलौती लड़की है वो फिल्म लाइन में क्रिएटिव है, वो मुझे हीरो बनाने वाली है। अगर उसको गलती से भी पता चल गया ना कि हम शादीशुदा हैं तो वो हमें हीरो नहीं बनाएगी, समझ गई? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम वो कामिनी को कहाँ मिल गई? वो तो मुझे रास्ते में मिली थी, वो मैं उनसे संतोष नगर वाला पता पूछ रही थी, फिर वो मुझे यहाँ पे लेके आई घर का काम करने के लिए। घर का काम करने के लिए? जी। ये लो 3,500, 5,000 तनख्वाह के हिसाब से 21 दिन का, लो ये पैसे लो और निकलो यहाँ से, जाओ। आप मुझे आखिर निकाल क्यों रही हैं? मेरी गलती क्या है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे फीमेल सर्वेंट चाहिए थी इस घर के लिए जो मुझे मिल गई है, तुम जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। पर माँ जी, आप मुझे यहाँ से निकाल देंगी तो मैं जाऊँगा कहाँ? अरे कहीं भी जाओ, इसे मुझे क्या लेना देना, निकलो यहाँ से। तुम्हारी माँ ने मुझे घर और नौकरी दोनों से निकाल दिया है और मेरी जगह एक नई नौकरानी रख ली है। मम्मी, आपने हर्षित को काम से क्यों निकाला?
वो तो घर के भी काम कर रहा था और बाहर के काम में भी मैं उसकी हेल्प लेती थी। आज के बाद घर के काम जिगना करेगी और तेरे बाहर के काम में भी वो तेरी मदद कर देगी। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओगे धक्के मार के निकालूं, जाओ। याद रखना, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुमको फोन करता रहूंगा और हम बाहर मिल लेंगे। माँ ने बहुत बुरा किया अर्शद, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारा लगेज अपने ऑफिस के गोडाउन में रखवा देती हूँ और कुछ कपड़े घर लेते जाऊंगी तुम्हारे। बस तुम दो चार दिन अपने फ्रेंड के घर पे गुजार लो, फिर तुम मेरे घर आ जाना। कैसे? तुम्हारे दीवी स्प्रे से मैं माँ को सुला दूंगी, फिर तुम्हें बैक डोर से एंटर करा लूंगी। तुम स्टोर रूम में रह जाना, बस माँ के जागने से पहले फ्रेश होकर निकल जाना। ठीक है। नव्या कहाँ रह गई थी तुम? आधी घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। पागल मम्मी, अभी अभी सोई, अभी उनको स्प्रे देकर आई हूँ। चलो। कोई है पागल? दरवाजा तो मैंने बंद किया था, फिर ये खुला कैसे रह गया? चिकना, अगर चिकना ने मुझे नव्या के साथ देख लिया तो बवंडर आ जाएगा। ये दोनों मिलकर मुझे मार डालेंगे। मुझे कुछ करना होगा। हम बच गए। कविता जी, वो देखिए आपकी बेटी आपके नौकर के साथ। अरे तुम्हारी माँ। शीतल, तुम मंदिर चलो, मैं इन्हें देखती हूँ। तुम्हारी माँ ने हमें देख लिया है। हाँ, फोन साइलेंट करो, वो फोन जरूर करेंगी। हाँ गई। तो ये मामला है, इसीलिए लड़की नहीं चाहती थी कि लड़का हमारे घर से निकले। इतना बड़ा धोखा। या फोन क्यों नहीं उठा रही है? नव्या, या तो आज तू रहेगी या मैं।
रह गई, आज तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। कहाँ थी? मां मैं तो ऑफिस में थी। झूठ बोल रही है? ऑफिस में थी? तुझे शर्म नहीं आती है झूठ बोलते हुए? माँ मेरी बात तो सुनो। कुछ सुनने का नहीं रह गया, मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को देखा। जैसी औलाद है ना, बे औलाद होना पसंद करूंगी मैं, लेकिन बदला में नहीं दूंगी। भाभी तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? तू अपनी माँ को धोखा दे रही है। मालकिन नव्या दीदी कहीं मिल नहीं रही है। अरे यहीं घर पर होगी, कहाँ जाएगी? नहीं मैंने सारी जगह देख लिया, कहीं पे भी नहीं है। क्या? मैं अभी देखती हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? ये कहाँ चली गई इतनी सुबह? हेलो कामिनी। अरे नव्या का फोन नहीं लग रहा, क्या कर रही है वो? हाँ बेटा वो घर पर ही नहीं है, मैं भी उसे कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन ही बंद आ रहा है। कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग तो नहीं गई? क्या बात कर रही है, हर्षित के साथ? हाँ बेटा मैंने कल उन दोनों को एक साथ देखा और फिर मैंने नव्या को धमकाया कि इस हर्षित के साथ कोई रिश्ता मत रखना, शायद इसलिए भाग गई। आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, मिल जाएगी नव्या। ठीक है बेटा मुझे बताना। हाँ जल्दी। हे भगवान ये कहाँ चली गई? बॉडी पे कोई भी इंजरी मार्क्स नहीं है, ऑर्नामेंट्स सिर्फ गले में, बाकी कहीं नहीं। अगर ये मर्डर लूट के लिए हुआ है तो लुटेरे प्रोफेशनल नहीं लगते। सर ये मोबाइल मिला, स्विच ऑफ है। ये मोबाइल से बहुत कुछ पता चल सकता है, पता करो सिम कार्ड किसके नाम पे। यस सर। ये मेरी बच्ची का मोबाइल है, मेरी बच्ची को उस हर्षद ने मारा है। क्या दुश्मनी हर्षद की आपकी बेटी से? सर वो लड़का शुरू से ही मुझे पसंद नहीं था, वो बहुत चालू था, उसी ने मेरी बच्ची को मारा है। हर्षद का नंबर दीजिए। हाँ। ये नंबर। सर फोन स्विच ऑफ मारा है। साहेब मालकिन ने नव्या दीदी को बहुत मारा इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। कविता जी आपने अपनी बेटी को क्यों मारा था? कविता जी मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए, मुंह खोलिए वरना हमको मुंह खुलवाना आता है। वो सर मेरी बेटी और हर्षित का एक दूसरे से मिलना मुझे पसंद नहीं था। अच्छा आपको आपकी बेटी का अफेयर आपके नौकर से मंजूर नहीं था इसलिए आपने? नहीं नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा। यस डॉक्टर। अच्छा नव्या की मौत गला घोटने से हुई, किसी कपड़े से उसका गला घोटा गया। थैंक यू डॉक्टर। सर मैं आपको कह रही हूँ मेरी बच्ची को हर्षित नहीं मारा है। मालकिन अब बार बार हर्षित का नाम क्यों ले रहे हो? वो तो यहाँ पे है भी नहीं। एक मिनट, तुम हर्षित की साइड क्यों ले रही हो इतना? क्या रिश्ता है तुम्हारा हर्षित से? नहीं साहब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक ही बार देखा है उनको, अभी पिछले हफ्ते आई हूँ मैं गांव से, मैं नहीं जानती। कुछ ज्यादा ही सफाई दे रही थी। इसका कमरा कहाँ है? ऊपर से दूसरा कमरा। जा। एक घड़ी और एक आयरन मुझे। सर ये हर्षित है और ये घड़ी और आयरन ये मेरी बच्ची के, ये तेरे कमरे में कैसे आ?
ने क्या किया मेरी बेटी के साथ? क्या किया? नावे को क्यों मारा? और हर्षित से क्या रिश्ता है तेरा? बता दियो, बता दियो। हर्षित मेरा पति है, उसने मारा है साहब, मैंने नहीं मारा। हर्षित कहाँ है? साहब वो अपने दोस्त के घर संतोष नगर में है। क्यों मारा तुमने मेरी बेटी को? क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? क्यों मारा? उस रात भी हमेशा की तरह मेरे दिए हुए स्प्रे से नव्या ने माजी को बेहोश कर दिया था। अब फिर वो बैक डोर ओपन करके मुझे अंदर लेकर आ गई और उसके बाद हम हमेशा की तरह स्टोर रूम की ओर चले गए और फिर हर्षित, तुम इस लड़की के साथ, मेरे पति होके इस लड़की के साथ रंगरलिया मना रहे हो? एक्सक्यूज मी, तुम दोनों पति पत्नी हो और इसके बाद भी तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो? तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। क्या किया? देखो जी, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपना मुंह बंद रखना। हाँ, अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो मुझे फांसी हो जाएगी और तुम जिंदगी भर के लिए विधवा हो जाओगी और पुलिस तुम्हें पकड़ कर जेल में डाल देगी। सुनो, देखो एक काम करना होगा, हमें ना अभी हर पुलिस की लाश को ठिकाने लगाना हो। और हाँ, एक काम करना, बस तुम कुछ दिन तक यहीं रुकी रहना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और जैसे ही मामला शांत हो जाएगा ना, मैं खुद आके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और फिर हम दोनों गांव चले जाएंगे, ठीक है? मैंने और जिग्ना ने मिलकर रातों रात में ही नव्या की लाश को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन पता नहीं कहां से जिग्ना के मन में नव्या की एयरिंग और उसके घड़ी को देखकर लालच आ गई। गुनेगार कितना ही शातिर क्यों ना, आखिरकार कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। ये चलो दोनों।